सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ मस्कं भगनंत सैलं कर्दमंग तरंत पपील कै सागरं लंघंत पिंगं तम परगास अंद कै साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे। परम सम्मान योग गुरु की साजी नवाजी गुरु रूप सत संगत जीओ आप सारे वड्डे भागां वाले हो। गुरु महाराज की कृपा सदका सतगुरां जी की पवित्र पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठ के अमृतमई गुरबाणी का आनंद माण रहे हो। बड़ा रस पिंडा कीर्तन भाई साहब जी सरवण करा रहे सन। बड़े प्यार नाल आप जी ने सरवण किया है। चल रही जाप साहब जी की लड़ीवार कथा विचार आओ भी एक मिनटा वास्ते आप विचार सांझी करिए। गुरु कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज इस पावन बाणी का उच्चारण मुबारक रसना तो कर रहे हैं पौंटा साहब जी की पावन धरती ते। जिस धरती ते पगाणी का घमासान युद्ध होया उस पौंटा साहब जी की पावन धरती ते सतगुरु जी ने नितनेम दियां तीन बाणियां का उच्चारण किया है। बख्शिश कर रहे हैं गुरदेव पातशाह। आलस्य करम अदृश्य धर्म सर्वा भरनाढ़ अनडंड बाढ़। ये 93वां छंद है जाप साहब जी का। इस छंद तक विचार आपा पिछले हफ्ते सांझी की सी। इतों ही शुरू करते हैं। इत्थे विचार छड़ी सी। सतगुरु फरमान कर रहे हे प्रभु आलस्य करम तू जो कुछ भी करदा है सह सुभाए सब कुछ होंदा है। कुछ भी करन वास्ते तू कुछ भी उपराला नहीं करदा उचेच नहीं करदा कुछ भी करन दी तैयारी नहीं करदा। सानू कोई छोटा जा कम करना पवे ते उहदे वास्ते बड़ियां तैयारियां करनियां पैंदियां ने। कोई छोटा जा फंक्शन घर च होवे बड़ा उचेच करना पैंदा है बड़ियां तैयारियां करनियां पैंदियां ने। हे प्रभु इन्नी दुनिया दा कार्ज तू कर रहा है कुछ भी करन वास्ते तैनू उचेच नहीं करना पैंदा उपराला नहीं करना पैंदा कुछ विशेष उद्यम नहीं करना पैंदा। सह सुभाए सब कुछ करनी तेरी चलदी रहिंदी। उहनू कहिंदे ने आलस्य करम अदृश्य धर्म। धर्म कहिंदे ने फर्ज नूं कि फर्ज नूं निभाण विच तूं अदृश्य है आदर्श है। सारी सृष्टि वास्ते नमूना है एक मिसाल है। अपने फर्ज नूं किस तरह तू बनाना है ते निभाना है ते पूरा करदा है और सारा फर्ज तू निभा रहा है और एक ऐसी मिसाल है दुनिया दे अंदर कि फर्ज निभांदा होया तू किसे नूं भी दिखाई नहीं देंदा। कर सब कुछ तू रहा है जीवन का जन्म हो रहा है तू नहीं दिखाई दे रहा। जीवन की पालना हो रही है तू नहीं दिखाई दे रहा। हे प्रभु जीवन का अंत हो रहा है तू नहीं दिखाई देता क्यों तू अदृश्य है
धर्म है, ऐसी मिसाल है, ऐसा नमूना है अपने फर्ज की पूर्ति वास्ते जगत दे सामने। साढ़े विच तां छोटा जा काम करना हो, डाकिए ने एक चिट्ठी पहुँचानी होवे वो भी दिखाई देंदा है, छोटी जी करनी होवे वो भी सन्मुख दिखाई देंदा है। तू इन्ने वड्डे वड्डे काम कर देना है, हे प्रभु दिखदा ही नहीं है किसी नूं, और सारा फर्ज पूरा कर रहे हैं, हर तरीके का फर्ज पूरा कर रहे हैं। अपने फर्ज की पूर्ति विच तू निपुण है और सारे जगत विच नमूना है, तेरी मिसाल है, आदर्श है धर्म। सर्वा भरनाडय, ये सारी सृष्टि जितनी है प्रभु, ये सारी सृष्टि की सजावट जो तू कीती है, मानो एक एक पत्ते विच ऐसी इतनी प्रॉपर्टियां रख दित्तियां, एक एक फुल दे विच ऐसी सजावट बना दित्ती, ऐसी हरियाली, ऐसे रंग बिरंगे फुल, ऐसी वनस्पति और ऐसे जीव, एक तू एक वध के ने, कमाल है। जिस तरह मानो आभरण, आभरण कहिंदे ने गहिणियां नूं, आभरण आढ़ कहिंदे ने सजावट करन नूं, मानो सारी सृष्टि नूं तू गहिणियां नाल सजा दिता है। आभरणाढ़ महाराज कह रहे ने, परनाढ़ दा मतलब है सारी सृष्टि नूं तू सजाया होया, गहिणियां नाल लद्या होया। अनडंड बाढ़, पर बाढ़ दा मतलब है जरूरी, सचो सच, पर पक। सारी दुनिया नूं, सारी सृष्टि नूं तू गहिणियां वांग सजाया होया, पर हे प्रभु तू अनडंड है, अनडंड, तेरे वल कोई भी घूर के नहीं वेख सकदा, पाओ तैनू कोई भी सजा नहीं दे सकदा, तैनू कोई सजा नहीं सुना सकदा, तैनू कोई दंड नहीं ला सकदा। अनडंड बाढ़ है, सचो सच गल है कि तैनू कोई भी दंड नहीं दे सकदा, कोई भी सजा नहीं दे सकदा, तेरे वल कोई भी घूर नहीं सकदा, तू इतना महान है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज बख्शिश कर रहे ने, चाचरी छंद तो प्रसाद, गुबंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियंग करियंग निरनामे अकामे। गुबंदे उस परमात्मा नूं कहिंदे ने, जे दे अखरी अर्थ करिए तो गो का मतलब है धरती, और विंद का मतलब है, प्रोफेसर साहिब सिंह जी ने इस दे अर्थ किए ने कि संस्कृत का शब्द है गोबिंद जा गोविंद जा गोबिंद, बदल बदल के इसका उच्चारण बार बार गुरबाणी में आता है। ये संस्कृत का शब्द है, यदा मतलब विंद का मतलब है जानना, विंद का मतलब है जानना, तो गौ का मतलब है धरती, सारी सारी पृथ्वी, सारे धरती दे जीवां दे दिलां दियां जानन वाला, उन्हूं कहिंदे ने गोबिंद, गोविंद गोबिंद जा गोबिंद। सतगुरु कहिंदे ने इहदा अर्थ इक्को ही है, गोबिंदे हे सारी धरती दे जीवां दी दिलां दियां जानन वालिया, मुकंदे हे मुक्ति दी दात देण वालिया, मुक्ति दे दाते प्रभु, उदारे हे वड्डे जिगरे वाले सखी दिल वाले प्रभु, अपारे हे बेअंत ताकतां दा मालक, अपरंपार दुनिया दा मालक है तू, परे तू परे तक पसरिया होया है, कोई भी तेरा अंत नहीं पा सकदा। हरियंग करियंग, सारी दुनिया दे जीवां नूं तू हर लैना है, फिर कर भी देना है। हरण का मतलब है मारना, करन का मतलब पैदा करना। हुण जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर सब तो ज़्यादा हर शब्द का उच्चारण होया है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर 8,444 बार हर हर उस परमात्मा नूं आख्या गया है।
ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੰਗਾਲੀ 'ਚ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੀਆਂ ਹਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੈਂਢਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਹਰੀਅੰਗ ਤੂੰ ਹਰੀਅੰਗ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸਾ ਹਰੀਅੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਚੁਰਾ ਲਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਚੁਰਾ ਲਏਗਾ, ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਹਰੀਅੰਗ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੋਲਿਓ, ਹਰ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਗਇਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਉ ਜਾਏ ਰਲਿਓ, ਹਰ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਬੋਲਿਓ, ਮੈਂਢਕ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਸੁਣਿਓ, ਸੱਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਗਇਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸੱਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਮੈਂਢਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਪ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਹਰ ਗਇਓ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਉਂ ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਹਰ ਕਿਉਂ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਸੱਪ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੀਅੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਅੰਗ ਕਰੀਅੰਗ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਨਾਮੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਮੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨਾ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਮੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਇਹ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਸੱਪ ਜਿਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਛੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਂਰਾ, ਭੌਂਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਡਿਆਂਦਾ ਬਰੁੰਗ ਬਰੁੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਡਿਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਭੌਂਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ। ਚੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਚੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ, ਚੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਓ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਤਾ, ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ,
सारे सृष्टि के जीवों नूं दान देण वाला दातां देण वाला दातां वंडण वाला है। चत्र चक्कर जाने सारे सृष्टि के जीवों के दिलों दिया जानन वाला है। सारियां नूं ओ जानदा है, सब दियां कमजोरियां ओ जानदा है, सब दियां खूबियां ओ जानदा है। असी की चाहते हाँ, की कर रहे हाँ, की करना चाहते हाँ, कुछ भी उसनों बोल के दसन की लोड़ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। एक मर्यादा है सेवक नूं अर्जी देण दी, एप्लीकेशन देण दी, तां असी खड़े हो के प्रतीक बनाया गया अरदास करन दा। पर असल विच तां ओह सब दे दिलां दियां जानदा है, साडी अरदास तां सिद्धी उहदे कोल पहुँच जांदी। सतगुरु इह समझाणा चाहुंदे ने चत्र चक्कर वर्ती ओ सारी सृष्टि के अंदर वरत रहा है, हर समय मौजूद है, हर समय वरत रहा है। चत्र चक्कर भरती वो सारे सृष्टि के जीवों की पालना कर रहा है, भर रहा है। भरती कहिंदे ने पालना करन वाले नूं, भरण पोखण संगोद बिहाणी। चत्र चक्कर पाले सारे जीवों की सृष्टि के जीवों की पालना करन वाला, रख्या करन वाला परमात्मा। चत्र चक्कर काले ते सारे जीवों नूं मिटा देण वाला, सारे जीवों का काल है वह परमात्मा। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज फुरमान करन चत्र चक्कर पासे सृष्टि दे चारों तरफ हर समय वह मौजूद है, और चत्र चक्कर वासे हर समय वह वसया होया है। हर समय कदे भी उजाड़ा नहीं है उसका। चत्र चक्कर वासे, चत्र चक्कर मानिए सृष्टि के सारे जीव उसे ही मनते ने, उसे की मानता करते हैं, उसे ही पूज रहे हैं। कोई किसी रूप, कोई किसी रूप, कोई धन के रूप, कोई अन्न के रूप, कोई पदार्थों के रूप, सब उसे की पूजा कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं सब कुछ विच मौजूद है। गुरुदेव पातशाह कह रहे हैं सारी सृष्टि के जीव उसकी मानता करते हैं। चत्र चक्कर मान्य है, चत्र चक्कर दानी है, सारी सृष्टि के जीवों नूं दान देण वाला वो परमात्मा है, वो ही देंदा है, कोई दूसरा नहीं देंदा। गुरदेव पातशाह ये समझा रहे हैं। चाचरी छंद ना सत्रै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काए अजन्मंग अजाए। देखो भाषावां बदलियां ने, गल सतगुरु ने वही बरकरार रखी है पहले वाली, वही गल बार बार भाषा बदल बदल के कर रहे हैं सतगुरु पातशाह। जाप साहब की बाणी च इस चीज़ का कमाल है कि बहुत सारिया भाषावां का मिश्रण है, गल वही है लेकिन अलग अलग भाषावां विच कर रहे हैं सतगुरु। ये कमाल है जाप साहब की बाणी विच। सतगुरु कहिंदे ने असी तां कुछ लेण देण करदे हां, आदान प्रदान करदे हां, जे असी किसी नूं नफरत भी देनी होवे तां साडी दुश्मनी चाहीदी है। जे दुश्मनी है किसी नाल तो नफरत भी असी देने, नफरत लेंदे वे तो देने भी हाँ। तो जे किसी नाल मित्रता ही है, प्रेम किसी नूं देना हो, जे प्रेम लेना होवे तां मित्रता ही चाहीदी है। मित्र होना चाहिए, मित्र वाला रिश्ता होना चाहिए। जे शत्रु वाला रिश्ता होना चाहिए, जे कोई साडा शत्रु ही नहीं है असी किसी नूं नफरत दे ही नहीं सकते, ना ही किसी को नफरत ले सकते। साडा तो आदान प्रदान मित्रता तो सत्रता से खड़ी है। लेकिन हे प्रभु, ना तेरा कोई शत्रु है, ना तेरा कोई मित्र है, ना सत्र है ना मित्र है। क्यों नहीं है? क्योंकि साढ़े तो बराबर के बथेरे मिल जाते हैं शत्रु, दुश्मनी करन वाले। साढ़े तो बराबर के बथेरे ने मित्र जिन्हां नाल मित्रता बन जाती। तेरे बराबर का तो कोई है ही नहीं जो तेरा शत्रु बने। ना को कंटक वैराई, ना तेरा कोई सज्जन ते ना ही कोई तेरा शत्रु, ना कोई वैरी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज कहिंदे ना सत्र है ना मित्र है। मित्र तेरा तां होवे जे तेरे बराबर दा होवे कोई। ना सत्र है ना मित्र है, ना भरमंग ना मित्र है। इसलिए तू कदे भी भरम विच नहीं रहिंदा, कदे भी तैनू कोई भरम च नहीं रख सकदा, तू भुलेखे विच नहीं रहिंदा, ना मित्र है। हुण पित दा मतलब है डर, तैनू किसी का भी डर नहीं है। जिहड़ी करतार सिंह एम ए होए ने जिन्होंने व्याख्या लिखी है,
वह कहते ने भितरे का मतलब है डर कि तेरे तो को तेनू किसी का भी डर नहीं, तू किसी तो भी डरदा नहीं। वो तो जपजी साहब जी महाराज ने क्लीयर कर दिता है कि तू निर्भव है, तू निर्भव है। प्रोफेसर साहब सिंह जी ने जेड़ा अपना टीका लिखा है वह कहते ने भितरे का मतलब है भीत, भीत का मतलब विचकार पड़दा। साढ़े अंदर तो भीत है, हंकार का पड़दा है, तो उस करके दुबदा बनी हुई है, दो चित्तापन बनया होया है, दुबदा बनी रहती है। पर ए प्रभु तेरे अंदर भीत नहीं है, कोई पड़दा नहीं है, कोई भी तेरे वास्ते कोई भी पड़दा नहीं है, तेरे अंदर कोई भी किस्म की दुबदा नहीं है। ना परमंग ना भितरे, ना करमंग ना काय। हे प्रभु तू कर्मा वस हो के रहन वाला नहीं है, साडा जीवन तो कर्मा के आधार पर है, जिस तरह के साडे कर्म उस तरह का सानू शरीर मिल जाता है। पर हे प्रभु कर्मा के बंधन के मुताबक तेरा जीवन नहीं है, ना करमंग ना काए। काए का मतलब काया शरीर। जपजी साहब जी गुरु नानक साहब महाराज तक कह रहे हैं करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर। जिदा दे कर्म किए उस तरह का कपड़ा आ जाता है, उस तरह का शरीर रूपी कपड़ा मिल जाता है। जिस तरह के असी कर्म करते हैं उस तरह का शरीर मिल जाता है, सानू शरीर रूपी कपड़ा मिल जाता है, उस तरह का शरीर सानू धारण करना पैंदा कर्मा बस होके। पर हे प्रभु तेनू कोई ऐसा शरीर नहीं मिलिया, तू कर्मा का बंधन तेरे ते नहीं, इसलिए तेरी कोई काया नहीं है, कोई काया नहीं है। करमी आवे कपड़ा नदरी मोक्ष द्वार। पर जे नदर कर देवें तो मोक्ष द्वार ही प्राप्त हो जाती है, तो जे कर्मा के बंधन च रह जावे तो फिर ये शरीर रूपी कपड़े मिल जाते हैं। गुरदेव पातशाह कह रहे हैं ना करमंग ना काए, तेरे ते कोई ए रूप तेरे ते ए मर्यादा तेरे ते लागू नहीं होंगी, इसलिए फिर तू है तो फिर की है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कह रहे हैं अजन्मंग अजाए, तू अजन्मा है अजाए है, किसी इस्त्री दे ढिड तू जाया होया नहीं है, तू अजन्मंग है अजन्मंग अजाए। ना चित्रे ना मित्रे, हे प्रभु इसलिए तेरा कोई चित्र नहीं है, तेरी कोई तस्वीर नहीं है, कोई तेरा चित्र नहीं बना सकया आज तक, कोई नहीं दस सकता तेरा चित्र क्यों जाए, तेरी तस्वीर क्यों जी है। सतगुरु कहने ना चित्र है ना मित्र है, इसलिए तेरे बरोबर का कोई है ही नहीं, इसलिए कोई भी मित्र नहीं है, मित्रता के बंधन में तू रहन वाला नहीं है। फिर की है परे है, इन सब चीज़ा तू परे है, तू इन सब चीज़ा तू परे है, तू अगर इन सब चीज़ा तू परे है पवित्र है तो तू बड़ा पावन है, तो तू बड़ा पवित्र है। ये चीज़ा तो मैला कर देंदिया ने मनुख को, गुरुदेव पातशाह समझा रहे हैं परे है पवित्र है प्रथीसे, पर प्रथीसे है तू प्रथीसे, पृथ्वी का ईश पृथ्वी का मुढ़ पृथ्वी का मालक। ईश कहते हैं मालक न प्रथीसे और आदिसे, तू आदिसे आद तू ईश है, आद तू ही पृथ्वी का मालक है, तू आदर्श है आकर्ष है, तू आदृश्य है दिखाई नहीं देता है, तू करदा सब कुछ तू है, दिसदा किसी नु भी नहीं, दिसदा किसी नु भी नहीं, आदृश है आकर्ष है। इसलिए प्रभु तू लिस्सा होने वाला नहीं, कमजोर किरस कहते ने लिस्सा होने वाले नु, कमजोर होने वाले नु, तू कमज़ोर आने वाला नहीं। साडे शरीर तो बदलाव आता रहता है, बचपन तू कदे कमज़ोर हो जाने, बुढ़ेपे वाल चले तो कमज़ोर हो जाने, कदे ताकतवर हो जाने कदे कमज़ोर हो जाने। ना बाध है ना घाट है, ना घाट बाध होत है, तेरी ताकत घट वध नहीं आती कदे भी, तू आकर्षय है। सतगुरु बख्शिश कर रहे ने भगवती छंद तव प्रसाद के अच्छे ज देसे। हे प्रभु तेरा देश कदे नष्ट नहीं होता, जिथे तू वसदा है ना वो तेरा देश कदे नष्ट नहीं होता, छिजदा नहीं है कदे भी। अछिजे
अछज देसै। महाराज ने बाणी जा कहा, धन सो देश जहां तू वसया मेरा सज्जन मीत मुरारे जी हो। जिवें सतगुरु कहिंदे ने कि अछज देसै कि आ भिज भेसै, कि प्रभु तेरा कोई भेस है जिहड़ा वह भी नष्ट होने वाला नहीं है, वह भी अभिज है। कि अगंज कर्म है, हे प्रभु तेरा कोई भी कर्म मिटन वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, बरकरार रहिंदा हर समय। कि अभंज भरम है, हे प्रभु तू अभंज है, अभंज और सब किस्म के भरम नूं मिटा देण वाला है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की है सत संगत 103 छंद तक आपा विचार सांझी की है। मेरा समा जवाब दे गया है, तो इनक सेवा जो है आप जी ने प्रवान करनी। आओ अगला बहुत सुंदर प्रोग्राम आप जी दे सन्मुख आ रहा है, बड़े प्रेम दे नाल आप जी श्रवण करो जी। गुरु की बाणी है, गुरु की बाणी दी विचार नितनेम दी गुरसिख दी बाणी है, और ये नितनेम दी बाणी गुरसिख नूं जीवन च अपनानी जरूर चाहीदी है, इहदी समझ भी होनी चाहीदी है। ऐनक सेवा प्रवान करना जी, भुलां चुकां दी खिमा गाज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।